जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम मैथ के बारे में बात करेंगे कि जो हमें कंपटीशन मैथ है वो किस तरह पढ़नी चाहिए कि हमारे 100 out of 100 नंबर आए। तो जो मैथ है, जो सबसे पहला जो मैथ का खेल तो है प्रैक्टिस का। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो भी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो जो मैथ की प्रैक्टिस है वो किस तरह करनी है, तो एक तो आपने इनिशियल कोचिंग ज्वाइन की है, उसके बाद किस तरह प्रैक्टिस करनी है, और एक कोचिंग कंप्लीट होने के बाद। तो कोचिंग ज्वाइन की है तो मान के चलिए आपका जो पहले डे जो आपका टॉपिक है वो कोचिंग में टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है और टाइम एंड वर्क ख़त्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो उसका स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है। तो जब आप सबसे पहला काम करिए, जो आप रूम पर आने के बाद स्पीड एंड डिस्टेंस का जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको पढ़िए, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करने, उसके बाद दूसरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। तीसरा टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, तो वही काम करना है आपको। रूम पे आके सबसे पहला काम करना है आपको परसेंटेज जो कोचिंग में पढ़ाया गया उससे जो होमवर्क है वो करना, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के और 5 से 10 क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस के करने हैं। उसके बाद आपका चौथा टॉपिक स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ यानी ब्याज, तो आपको क्या करना है वही डेली इसका जो होमवर्क दिया उसको करना, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन ये करने, 5 से 10 क्वेश्चन ये करने और 5 से 10 क्वेश्चन इसके करने हैं। फिर उसके बाद आपका ये कंप्लीट हुआ पांचवा टॉपिक, फिर स्टार्ट हुआ है आपका ज्योमेट्री, तो वही आपको काम करना है 5 से 10 क्वेश्चन इसके, 5 से 10 क्वेश्चन इसके, 5 से 10 क्वेश्चन इसके और 5 से 10 क्वेश्चन इसके, और इसका डेली का होमवर्क करना है। उसके बाद इसी तरह जो सारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे और आपकी ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो जो आपका जब लास्ट टॉपिक चलेगा, कोई सा भी मान के चलिए आपका लास्ट में मेंसुरेशन पढ़ाया गया है, तो जो आपका लास्ट टॉपिक जब कंप्लीट होगा ना, तो आपका जो पहला टॉपिक है उसका कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो चुका होगा, इसका भी 3-4 बार, इसका 2-3 बार, इसका 2-3 बार, तो लगभग आपके जो सारे टॉपिक है उनका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका होगा। तो जब आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा पूरी टॉपिक पढ़ने के बाद कि हमें मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है और हमें टाइम एंड वर्क भूलते जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा टाइम एंड वर्क चलता है तो हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें टाइम एंड वर्क तो अच्छे से आता रहता है, उसके बाद जब टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं, मान के चलो लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो हमारी हालत क्या होती है कि जो टाइम एंड वर्क है हम उसे भूलते जाते हैं, उसके बाद परसेंटेज उसे भूलते जाते हैं, इंटरेस्ट उसे भूलते जाते हैं लास्ट टॉपिक चलते चलते। तो जब आप इस तरह 5 से 10 प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एक भी टॉपिक को तो भूलोगे नहीं, और आपको जो डेली रिवीजन होगा ना वो पूरी मैथ का डेली रिवीजन होगा। मान के चलिए आपके 20 टॉपिक हैं, आप प्रत्येक टॉपिक से डेली 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 20 टॉपिक से कितने क्वेश्चन हो गए, डेली 100 क्वेश्चन, तो आप डेली 100 क्वेश्चन मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पूरी मैथ है उसे डेली पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आज टाइम एंड वर्क पढ़ा और उसके बाद कल स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, उसके बाद पता लग रहा है जब मेंसुरेशन की बारी आई तो टाइम एंड वर्क भूल गए, टाइम एंड वर्क की बारी आई तो मेंसुरेशन भूल गए। तो जो कंपटीशन में जो सबसे ये काम होता है ना, वो सबसे यही होता है कि हम जब टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन को भूलते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो टाइम एंड वर्क भूलते हैं। तो सारे टॉपिकों को एक साथ, जो सारे टॉपिक हैं उन्हें एक साथ याद रखने का तरीका यही है कि प्रत्येक टॉपिक के 5 क्वेश्चन डेली, 5 क्वेश्चन करोगे, अगर 20 टॉपिक है तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे डेली के, 100 क्वेश्चन। तो आप डेली 100 क्वेश्चन करोगे, और 100 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से नहीं करोगे, हर एक टॉपिक से 5-5 करोगे, तो आपकी पूरी मैथ का रिवीजन होता रहेगा। दूसरी बात, आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप परसेंटेज के जो 100 क्वेश्चन है, अगर मान के चलो आप परसेंटेज से डेली 100 क्वेश्चन करोगे, तो आपका क्या होगा कि आप 10-20-30 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, तो आप भूलते रहे, एक बार बोर होते रहोगे। तो अगर आप 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से करोगे ना, तो आप एक तो बोर नहीं होगे, दूसरी बात आपका डेली पूरी मैथ का रिवीजन होता रहेगा, तो आपकी कभी भी जब एग्ज़ाम लगेगी ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं परसेंटेज भूल रहा हूँ या मेंसुरेशन भूल रहा हूँ या ज्योमेट्री भूल रहा हूँ, क्योंकि आप डेली पूरी मैथ का रिवीजन कर रहे हो। उसके बाद जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी आपको क्या क्या काम करना है, आपको यही काम करना है,
डेली आपको टाइम बना लेना है, भाई हर टॉपिक से मैं 5 क्वेश्चन करूँगा और 20 टॉपिक हैं, तो डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह आप, इसका मतलब क्या होगा कि आप प्रत्येक टॉपिक से सिर्फ 5 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन डेली कितने कर रहे हो? 100। मान के चलो एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन होंगे, तो आप एक महीने से भी कम में पूरी बुक का एक बार रिवीजन, हर महीने में एक बार रिवीजन कर दोगे, तो आप किसी भी टॉपिक को इस तरह करोगे तो भूलोगे नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी टॉपिक को भूल रहे, किसी को याद रख रहे। तो आप इस तरह मैथ की प्रैक्टिस करिए और आप एक महीना करके देखिए, उसके बाद आपको जब रिजल्ट आएगा तब एक महीने में आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि आपकी जो पूरी मैथ है वो एक साथ कंप्लीट हो चुकी है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मैथ के किसी टॉपिक को भूल गया हूँ, आपको पूरी मैथ आती रहेगी। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे जो पूरे टॉपिक है, ऑल टॉपिक, जो पूरे टॉपिक वो मुझे आते हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।